राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज देखिए, आपके साथ में एक बहुत ही फ्री का फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ, जिससे कि जो प्लांट्स हैं उनकी छोटी छोटी जो ज़रूरतें हैं, जो न्यूट्रिशंस उनको चाहिए होते हैं, वो तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो है फ्लावरिंग को बूस्ट करता है ये प्लांट, हमारे जो प्लांट की मिट्टी है उसको बहुत ही हैप्पी और हेल्दी बनाए रखता है। इससे जो उनके जो भी सॉइल की जो रिक्वायरमेंट होती है, एलिमेंट्स जो भी उन्हें चाहिए होते हैं वो उन्हें मिल जाते हैं, और बहुत ही आसान है, बिल्कुल फ्री है। आप घर पे इसे तैयार कीजिए और अपने प्लांट्स को दीजिए, आप उसके बाद में जो फ्लावर्स के रिजल्ट्स हैं वो देखेंगे आप, बहुत ही अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो प्लांट्स हैं वो उनकी ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। तो देखिए, ये जो फर्टिलाइज़र या जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो है, ये देखिए एस्ट राख। इसे आप जो हैं गोबर के जो उपले, जो जिनको बोलते हैं, जो बनते हैं, उनसे आप बना सकते हैं घर पे, या फिर आप जो हैं वो लकड़ी से इन्हें घर पे बना सकते हैं। मैं इसे घर पे ही बनाती हूँ। इसमें देखिए नाइट्रोजन काफ़ी अच्छा होता है, जब आप उपलों से बनाते हैं तो नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें होता है। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम है, कार्बन आपको इसके अंदर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी जो भी हमारे प्लांट्स की माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको ये पूरा करता है। तो ये जो है इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है, देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने प्लांट की जो है वो अच्छे से आप गुड़ाई कीजिए, और गुड़ाई तो आपको कम से कम वीक में वंस टाइम अपने प्लांट्स की कर ही देनी चाहिए, जिससे कि जो मिट्टी है वो ऊपर नीचे होने से अच्छे से उसमें जो है हमें पता भी चल जाता है कि हमारी मिट्टी कैसी है, प्लांट्स को अच्छे से एयर मिलती है उसकी रूट्स को, और जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो देखिए, बस मंथ में आपको एक बार एक चम्मच अपने जो प्लांट्स हैं उनकी गुड़ाई करने के बाद में इस तरीके से इसको स्प्रिंकल कर देना है। ये देखिए बिल्कुल फ्री होता है, जब हम सर्दियों में उपले वगैरह जलाते हैं या फिर आप कोयले जलाते हैं किसी भी तरीके से, या आप इनको घर पे इसी तरीके से प्लांट्स में देने के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी जो एक फर्टिलाइज़र जो होता है प्लांट्स की हर एक नीड को पूरा करता है। इसकी वजह से अगर मिट्टी में कुछ किसी तरीके के कीड़े वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे सब्जियों के जो प्लांट्स होते हैं उन पे इसका जो है इसको उनकी लीव्स पे स्प्रिंकल किया जाता है, जिससे छोटे छोटे से उनके कीड़े हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इसको गुलाब पे है या अपने गुड़हल पे है स्प्रिंकल करने के काम में भी ले सकते हैं, उससे जो आपके प्लांट्स के अगर ऊपर छोटे छोटे कुछ कीड़े वगैरह लगे हुए हैं तो वो भी हट जाएंगे। और आप अगर उसकी मिट्टी में इसको देते हैं रेगुलरली मंथ में एक बार, तो आपको जो फ्लावर्स के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम हर तरीके के खाद वगैरह सब कुछ प्लांट्स को देते हैं, लेकिन हमें जो फ्लावरिंग हमें मिलनी चाहिए प्लांट से वो हमें नहीं मिलती है। तो उसका रीज़न होता है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है जो हम नहीं पता लगा पाते। तो आप इसे दीजिए और इसका जो रिज़ल्ट है वो खुद देखिए कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको इसका मिलता है। तो बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है, फ्री की चीज़ है, घर पे बनाइए और अपने प्लांट्स को दीजिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।